हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 5 के 6 से लेकर 9th पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है फाइंड, और 6th पार्ट में हमें गिवन है 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25, यानी हमें 7.75 को डिवाइड करना है 0.25 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर से डेसिमल को हटा देंगे। जब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 775 अपॉन में 100 आएगा। अपॉन में 100 इसलिए आया है कि अगर आप यहां राइट से चेक करें तो राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। जब राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल होता है और आप वो डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। डिवाइड का साइन यहाँ एज इट इज आ गया। अब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे। जब हम इस डेसिमल को यहां से हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में 25 मिलेगा और अपॉन में 100 मिलेगा, क्योंकि यहां भी अगर आप राइट से चेक करें तो राइट से दो डिजिट्स के बाद डेसिमल है। तो जब हमने ये डेसिमल हटाया तो अपॉन में 100 आ गया। अब ये 775 अपॉन 100 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड की जगह हमने यहां पर मल्टीप्लाई लिख दिया है, और डिवाइड के राइट में अब है 25 अपॉन 100। इस 25 अपॉन 100 का रेसिप्रोकल हम यहां लिखेंगे, तो 25 अपॉन 100 का रेसिप्रोकल होता है 100 अपॉन 25। तो यहां पर हमने लिख दिया है 100 अपॉन 25। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो जीरो और ये दो जीरो आपस में कट जाएंगी, तो हमने इन दो जीरो को आपस में काट दिया है। अब यहां न्यूमरेटर में है 775, यहां डिनोमिनेटर में है 25। 775 और 25 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए 5 5 द 25, ये 25 तो 5 से यहां पर कट गया और यहां बचा है अब 5। अब हम 775 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 5 1 द 5 होता है, 7 में से 5 गया 2 बचा, 2 एंड 7 27 होता है। 5 5 द 25 आ गया, 27 में से 25 काटेंगे तो 2 बचेगा, 2 एंड 5 25 होता है, 5 5 द 25। तो 775 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया है 155। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां न्यूमरेटर में 155 है, यहां 1 है, 155 × 1 155 होता है। तो यहां न्यूमरेटर में 155 आ गया, यहां डिनोमिनेटर में 1 है, यहां 5 है, 1 × 5 5 होता है। तो यहां डिनोमिनेटर में 5 आ गया। अब हमें मिल गया है 155 अपॉन 5। अब हम 155 को डिवाइड करेंगे 5 से। 155 और 5 ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। देखिए 5 1 द 5 और यहां देखिए 5 3 द 15, ये 15 कट गया, बचा क्या 5। 5 1 द 5 होता है, तो ये 155 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया 31। अब यहां न्यूमरेटर में आ गया है 31 और डिनोमिनेटर में है 1, तो अपॉन में हम 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें फाइनली मिल गया है 31। तो जब हमने 7.75 को डिवाइड किया 0.25 से तो हमें आंसर मिला है स्टूडेंट्स 31। अब हम सेवेंथ पार्ट को सोल्व करेंगे। सेवेंथ पार्ट में हमें दिया गया है 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15, यानी हमें 76.5 को डिवाइड करना है 0.15 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर से डेसिमल को हटाएंगे। जब हमने यहां से डेसिमल हटाया स्टूडेंट्स, तो यहां न्यूमरेटर में हमें मिला 765 और अपॉन में आ गया 10। ये डिवाइड का साइन यहां पर एज इट इज आ गया है। जब हमने ये डेसिमल हटाया तो यहां न्यूमरेटर में हमें मिला 15 और अपॉन में आ गया 100। अब हमें 765 अपॉन 10 को डिवाइड करना है 15 अपॉन 100 से। ये 765 अपॉन 10 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के राइट में है 15 अपॉन 100। 15 अपॉन 100 का रेसिप्रोकल होता है 100 अपॉन 15। तो यहां पर हमने 15 अपॉन 100 का रेसिप्रोकल 100 अपॉन 15 लिख दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक जीरो और यहां से एक जीरो आपस में कट जाएंगी, तो इस जीरो को हम इस जीरो से काट देते हैं। अब यहां न्यूमरेटर में है 765, यहां डिनोमिनेटर में है 15। ये दोनों ही नंबर्स आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 5 के टेबल में आते हैं।
तो हम इन दोनों नंबर्स को 5 से काटेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15 होता है। अब यहां पर 765 है, अब हम 765 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 7 में से 5 गया 2 बचा, 2 एंड 6 26, 5 5 25, 26 में से 25 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 एंड 5 15, 5 3 15। तो जब हमने 765 को 5 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया है 153। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर में है 153, यहाँ न्यूमरेटर में है 10। 153 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 1530। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, 1 × 3 3 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया है 3। अब हमें मिल गया है 1530/3। अब हम 1530 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों ही नंबर्स 3 के टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स, तो हम इन दोनों नंबर्स को 3 से काटेंगे। देखिए 3 1 3, ये 3 तो पूरी तरह से कट गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 5 15, ये 15 कट गया। इसके बाद है 3 3 1 3, ये 3 भी कट गया। क्या बचा? 0, ये 0 यहां पर आ जाएगा। तो अब हमें मिल गया है 510। तो जब हमने 76.5 को डिवाइड किया 0.15 से तो हमें आंसर मिला है 510। अब हम 8th पार्ट को सोल्व करेंगे। 8th पार्ट में हमें दिया गया है 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4, यानी हमें 37.8 को डिवाइड करना है 1.4 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर से डेसिमल को हटा देंगे। जब हमने यहां से डेसिमल हटाया तो यहां हमें न्यूमरेटर में मिला है 378/10 आ गया, डिवाइड का साइन एज इट इज आ गया है। अब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे, जब हम यहां से डेसिमल हटाएंगे स्टूडेंट्स तो यहां न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 14 और अपॉन में आएगा 10। अब हमें 378/10 को डिवाइड करना है 14/10 से। अब ये 378/10 यहां पर एज इट इज आ गया है, डिवाइड को हमने चेंज कर दिया है मल्टीप्लाई में और डिवाइड के राइट में है 14/10। अब हम 14/10 का रेसिप्रोकल यहां पर लिखेंगे तो 14/10 का रेसिप्रोकल होता है 10/14, तो यहां पर हमने लिख दिया है 10/14। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएंगे, 10 1 द 10 एंड 10 1 द 10। अब हम यहां पर देखेंगे कि यहां न्यूमरेटर में है 378 और यहां डिनोमिनेटर में है 14। 378 और 14 को आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 7 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 7 से काटेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, 7 2 द 14 होता है, तो ये 14 तो कट गया। अब हम 378 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 द 35, तो 37 में से 35 गया 2 बचा, 2 एंड 8 28, 7 के टेबल में 28 कहाँ आता है? 4 पे, 7 4 द 28। तो जब हमने 378 को 7 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया है 54। अब ये 54 और ये 2, ये भी आपस में सोल्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। तो देखिए 2 1 द 2, ये पूरी तरह से कट चुका है। अब हम 54 को डिवाइड करेंगे 2 से। देखिए 2 2 द 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 एंड 4 14 होता है, 2 7 द 14। तो जब हमने 54 को 2 से डिवाइड किया तो यहां हमें मिला 27। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहां न्यूमरेटर में 27 है, यहां 1 है, 27 × 1 27 होता है, तो यहां पर 27 आ गया। डिनोमिनेटर में यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, 1 × 1 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने 37.8 को डिवाइड किया 1.4 से तो हमें आंसर मिल गया है 27। अब हम 9th पार्ट को सोल्व करेंगे। 9th पार्ट में हमें दिया गया है 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, यानी हमें 2.73 को डिवाइड करना है 1.3 से। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इन दोनों नंबर्स के डेसिमल को हटा देंगे। जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे स्टूडेंट्स तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 273 और अपॉन में 100 आ जाएगा, डिवाइड का साइन एज इट इज आएगा। जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा 13 और अपॉन में 10 आ जाएगा। अब ये 273/100 यहां पर एज इट इज आ जाएगा। डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और डिवाइड के राइट में है 13/10,
13 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल होता है 10 अपॉन 13, तो यहां पर हमने 13 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल लिख लिया है 10 अपॉन 13। अब ये एक जीरो और ये एक जीरो आपस में कट जाएंगी, तो हम इस जीरो को इस जीरो से काट देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर में है 273, यहां डिनोमिनेटर में है 13। ये दोनों ही नंबर्स आपस में सोल्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर्स 13 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स को 13 से काटेंगे। अब देखिए 13 होता है, तो ये 13 कट गया। अब हम 273 को भी 13 से डिवाइड करेंगे, 13 to the 26, तो 27 में से 26 गया, 1 बचा, 1 and 3 13 होता है, 13 1 the 13। तो जब हमने 273 को 13 से डिवाइड किया तो हमें मिल गया है 21। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ न्यूमरेटर में 21 है, यहाँ 1 है, 21 into 1 21 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 21 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ 1 है, 10 into 1 10 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 10 आ गया, तो अब हमें मिल गया है 21 upon 10। अब हम 21 को 10 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस एक जीरो को यहाँ से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। जब कहीं डेसिमल नहीं दिखता तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है, तो जब हम डिनोमिनेटर से ये एक जीरो हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये 2 और 1 तो यहाँ पर हमने एज इट इज लिख दिया है, और ये डेसिमल जो पहले यहाँ लास्ट में था, यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। तो जब हमने 2.73 को डिवाइड किया 1.3 से, तो हमें आंसर मिला है 2.1। आई होप स्टूडेंट्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।